नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। आज जो मैं खबर लेके आया हूं वो है खेल के मैदान से। जी हां, बिहार के लाल ईशान किशन ने जो कमाल कर दिया है वो काबिले तारीफ है। जी हां, बिहार के लाल ईशान किशन ने खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में बांग्लादेश को धूल चटा दिया जी, और 210 रन उनके बल्ले से निकले। बिहार के लाल ईशान किशन ने आज बांग्लादेश और भारत के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अपने बल्ले से रनों की बरसात कर दी। आइए देखिए किस तरीके से ईशान किशन ने अपने बल्ले से रनों की बरसात की है। लेकिन साथ ही साथ ईशा न्यूज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना हरगिज ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ईशान किशन के इस बल्लेबाजी से, रनों की बौछार से आपको कैसा लगा। तो जल्दी से ईशा न्यूज को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने इतिहास रच दिया है। ईशान किशन ने यहां दोहरा शतक जड़ दिया और बांग्लादेशी बॉलिंग के परखच्चे उड़ा दिए। ईशान किशन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ईशान किशन ने 126 बॉल में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने कुल 24 चौके और 9 छक्के जमाए। ईशान ने करीब 160 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस ऐतिहासिक पारी में ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड्स आज अपने नाम किए। दोहरा शतक जड़ने के कुछ देर बाद ही ईशान किशन आउट हो गए और उनकी पारी 210 के स्कोर पर खत्म हुई। ईशान ने 131 बॉल में 210 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए वो किसी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। ईशान किशन ने शुरुआत से ही बांग्लादेशी बॉलर्स पर दबाव बनाया और उनके परखच्चे उड़ा दिए और एक छोर से रनों की बरसात करते रहे। ईशान किशन ने 26 बॉल में अपना शतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद तो मानो वो बांग्लादेशी बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। आपको बता दें कि इसके पहले रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं और इसके बाद ईशान किशन चौथे बल्लेबाज बने हैं। बता दें कि टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा चोट की वजह से इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, इसी वजह से ईशान किशन को प्लेइंग 11 में जगह मिली। ईशान ने इस मौके का फायदा उठाया और शुरुआत से ही बांग्लादेशी बॉलर्स पर टूट पड़े। 24 साल के ईशान किशन ने अभी तक टीम इंडिया के लिए 9 ही वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 267 रन दर्ज थे। ईशान किशन और विराट कोहली की जोड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास बनाया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 290 रनों की साझेदारी हुई, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। रनों के हिसाब से ये भारत की किसी भी विकेट के लिए तीसरी बड़ी पार्टनरशिप है, जबकि वनडे क्रिकेट में दूसरे विकेट के लिए ये चौथी बड़ी पार्टनरशिप है। और इसी के साथ आज बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में ईशान किशन ने इतिहास रच दिया। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ईशान चौथे भारतीय हैं। ईशान किशन ने सिर्फ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए। इस दौरान उनके बल्ले से 24 चौके और 10 छक्के निकले। इस दोहरे शतक के साथ ही ईशान किशन ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए।